भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। उन्होंने फाइनल में कुल 221.7 अंक हासिल किए। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल है और ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह शूटिंग में पांचवा मेडल है। कोरियाई खिलाड़ियों ओ ये जिन ने 243.2 अंकों के साथ गोल्ड और किम जे जी ने 241.3 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर ने अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, जबकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, जहां उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। मनु भाकर 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में कुल 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। भाकर ने पहले सीरीज में 97, दूसरी में 97, तीसरी में 98, चौथी में 96, पांचवी में 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रिदम सांगवान भी भाग ले रही थी, लेकिन उन्होंने निराश किया और 573 अंकों के साथ 15वें स्थान पर रही। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस 2024 में अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 से डेब्यू किया था। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे देश को गर्वित किया और उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारतीय शूटिंग के मानकों को और ऊंचा उठाया है। नमस्ते, मैं प्रधानमंत्री जी की कार्यालय से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बात करके मैं दे रहा हूँ। जी नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हो। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है? व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी।